राइजिंग आसनसोल एनजीओ द्वारा आसनसोल नगर निगम के ब्लड डोनेशन सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राइजिंग आसनसोल ने लॉकडाउन में काफी गरीब हॉकरों की मदद की है। आज यहां रक्तदान का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपील की है कि राज्य में रक्त की कमी से किसी को मौत ना हो। इसके अलावा युवा साथी जिस तरह से आगे बढ़कर आए हैं वह काफ़ी प्रशंसनीय है। आपके हर अच्छे काम में हम लोग आपके साथ रहेंगे। अच्छे काम के प्रति आपकी रुचि बढ़े इसलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने जो तुलसी का पौधा दिया है हर आंगन में यह पौधा लगे, तुलसी का आयुर्वेदिक लाभ सभी को मिले। इस दौरान चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पूर्व MIC रबीउल इस्लाम, विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद, अनूप चैटर्जी आदि मौजूद थे। नाम का आपका जो संगठन है, मैंने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम में आपने बहुत से गरीब हॉकर भाइयों की सहायता की। आज राइजिंग आसनसोल के युवा साथी यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, करीब 30-40 बोतल खून आज आप यहाँ दे रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ने जो अपील किया था कि एक भी आदमी खून की कमी के कारण किसी की मौत ना हो, युवा साथी जिस तरह आगे बढ़ के आए हैं, राइजिंग आसनसोल जिस तरह समाज सेवा का काम कर रहा है, हम सारे लोग आपके हर अच्छे काम में आपके साथ रहेंगे। आपका केवल उत्साह बढ़ाने के लिए, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिकग्निशन देने के लिए और अच्छे काम के प्रति आपकी रुचि और बढ़े इसमें आपका उत्साह बढ़ाने के लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भी आप अच्छा काम करें, ईश्वर आपको और शक्ति दे और मजबूत आप हो। और जो तुलसी का पौधा आज आपने दिया है, ये तुलसी हर आंगन में तुलसी का गाछ लगे और तुलसी से जो प्राप्त आयुर्वेदिक लाभ है वो लाभ हर व्यक्ति को मिले और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये कामना करता हूँ। ये अच्छा लग रहा है आज की इस कार्यक्रम में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी, हमारे कॉरपोरेशन के लीगल एडवाइजर रबीउल इस्लाम जी, अनूप चक्रवर्त जी और राइजिंग आसनसोल के आप जो सारे साथी हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। सारे लोगों को आज के इस अच्छे